7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर है हमारा 48 और आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर 7 मॉर्टगेज एंड चार्जेस। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने दो चैप्टर जो थे प्रीवियस दोनों चैप्टर वो दोनों रिलेट करते थे शेयर्स से, शेयर एंड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, पांचवें कैपिटल में हमने शेयर्स के बारे में स्टडी किया था, छठे चैप्टर में हमने पब्लिक को शेयर इशू करें तो क्या कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट सप्लाई होती है वो स्टडी किया। 5 और 6 दोनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं कोई पूछ ले क्वेश्चन। जी जी शाबाश शाबाश। हमारा एक कंसेप्ट है सुन लीजिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन कब होती है जब कंपनी शेयर इशू करती है, 100 मिलियन के शेयर इशू किए, 120 मिलियन की एप्लीकेशन आ गई, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना स्टार्ट में, उस वक्त भी वो शेयर इशू करती है और बाद में भी हो सकता है शेयर इशू। ये जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस वाला कंसेप्ट है ये स्टार्ट के लिए कंपनी, जब क्योंकि जिंदगी में एक ही दफा कंपनी सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस लेना होता है। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये स्टूडेंट का कि क्या प्रॉस्पेक्टस पहले इशू होता है या सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस पहले मिलेगा। तो इसका जवाब है प्रॉस्पेक्टस पहले इशू होगा। प्रॉस्पेक्टस इशू होगा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इकट्ठी होगी तो सर्टिफिकेट की कंडीशन पूरी होगी, पहले प्रॉस्पेक्टस। ठीक है बात। अच्छा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉस्पेक्टस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो वो शर्त ये लगाता है, अगली शर्त ये लगाता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है तो आपने वो पैसे एप्लीकेंट्स को वापस करने हैं, नो मनी इज ड्यू आर मे बिकम ड्यू टू एप्लीकेंट्स, वो पैसे वापस करने हैं। क्वेश्चन का ये है कि अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन 120 मिलियन हमने किसी बैंक में रखा हो अकाउंट में और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिले तो क्या हमने सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट पैसे वापस करने हैं या इंटरेस्ट भी। तो इसका जवाब यह है कि लॉ, हमारे सिलेबस में नहीं कंसेप्ट लेकिन लॉ ने मेंशन किया है कि अगर एक एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो कितने दिन के अंदर पैसे वापस करने हैं, तो लॉ उसको ओवरड्यू होने ही नहीं देता। और यह भी जरूरी होता है कि जिस अकाउंट में पैसे रखवाएं जो मेंशन किया उसी में पैसे रखवाएं, और उस अकाउंट में से कोई पेमेंट आपने तब तक नहीं करनी जब तक कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए, वो जो पूरी ना हो जाए वो कंडीशन। तो याद रखें वो सारे के सारे पैसे कंपनी के पास बतौर अमानत होते हैं पहली चीज, और सिर्फ कुछ दिन के लिए होते हैं। दूसरी चीज, कंपनी ने लॉ ने के जो स्पेसिफाई किया टाइम पीरियड उस अर्से के अंदर उनको वापस करने होते हैं तो इंटरेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और वो अकाउंट भी करंट होता है क्योंकि फौरी तौर पर पेमेंट करनी है ना, सेविंग अकाउंट थोड़ी होगा, फौरी तौर पर पेमेंट करनी होती है। और की क्वेश्चन, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल भी जाता है तो फिर वो शेयर होल्डर को वापस नहीं करना, वो नहीं करो कंपनी रख सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है। और की क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को और लेक्चर को। चैप्टर है हमारा मॉर्गेज एंड चार्जेस। अच्छा, ये कैसे रिलेट करता है हमारे प्रीवियस दो चैप्टर्स के साथ, जो चैप्टर 5 और 6 थे उसमें भी हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, 5 और 6 में, चैप्टर 7 में भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये आपके समझ लें कि फाइनेंस को रेज करने के तरीके हैं, तीनों चैप्टर, चैप्टर 5 और 6 भी और 7। 5 और 6 में आप पैसे इकट्ठे करते हैं कैसे, शेयर्स और सिक्योरिटी इशू करके, शेयर्स को इशू कर शेयर। और चैप्टर 7 में भी आप पैसे इकट्ठे कर, लेकिन कैसे, डेट के जरिए, थ्रू डेट, यानी वो शेयर्स थे ये डेट होगा। शेयर कैपिटल में डेट में फर्क पता है ना आपको, शाबाश। तो जैसे शेयर्स की डिफरेंट टाइप्स थी ना, ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, उसी तरह डेट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डेट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इस चैप्टर में एक तो स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ डेट कि एक कंपनी कितनी तरह की बोरोइंग हासिल कर सकती है, किस किस से बोरोइंग हासिल कर सकती है, एक डिस्कशन ये होगी। लेकिन जो ज्यादा डिस्कशन होगी ना वो लोन के ऊपर नहीं होगी, जो ज्यादा इस चैप्टर में डिस्कशन होगी वो लोन के ऊपर, इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, लोन के ऊपर डिस्कशन होगी जरूर, जिसमें हम ये सीखेंगे कि लोन की कितनी टाइप्स है, किस किस से लोन लिया जा सकता है। लेकिन जो चैप्टर की ज्यादा डिस्कशन है वो लोन के ऊपर नहीं, बल्कि लोन लेते हुए जमानत के तौर पे जो चीजें लेंडर के पास जमानत के तौर पे रखवाते हैं या जो भी अरेंजमेंट होती है उसके ऊपर डिस्कशन होगी ज्यादा, यानी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा। सिक्योरिटी से मुराद TY,
सिंगुलर फॉर्म वाले से, सिक्योरिटीज नहीं, जो प्लेज बिल्कुल जो जमानत का गिरवी गिरवी रखवाते हैं या कुछ इस तरह का और नाम ले लें। तो ये चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आपको टाइप्स ऑफ लोन के बारे में बताएगा एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा आपको बताएगा कि लोन हासिल करने के बदले में जो आप सिक्योरिटी रखवाते हैं जमानत के तौर पर चीजें, वो कितनी तरह की हो सकती हैं, ठीक है, वो कितनी तरह की हो सकती हैं उनके बारे में बताएगा। और अगर कंपनी कुछ लोन लेती है और बदले में जमानत के तौर पे सिक्योरिटी के तौर पे अपनी चीजें रखवाती है, तो उसमें जाहिर है कुछ ज्यादा चीजें ज्यादा रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी। आप अगर बैंक से लोन लेते हैं ना, किसी के पास जाके रजिस्टर करवाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी आप ही देंगे, लेकिन उस लोन को उस सिक्योरिटी को कहीं पर रजिस्टर करवाने की जरूरत है नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी लोन ले किसी से, तो वो जो सिक्योरिटी के तौर पे चीजें रखवाएगी उस लोन को और उस सिक्योरिटी को कहीं पे रजिस्टर करवाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रलाइज रिकॉर्ड हो, ठीक है, वो किसके पास, रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाते हैं। तो इस लेक्चर में वो आपको बताएगा टाइप्स, सॉरी इस चैप्टर में बताएगा टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, और फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इस पूरे चैप्टर में क्या सिखाएगा आपको, टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, और इसमें प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन कह लें, जिसे हम सेटिस्फेक्शन या पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर है डी रजिस्ट्रेशन तब रजिस्ट्रेशन तब होगी जब लोन लेंगे, और डी रजिस्ट्रेशन कब होगी, जब उसको पे कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे, सेटिस्फाई कर देंगे, तभी होगी। तो इस पूरे चैप्टर सिक्स का थीम क्या है, तीन टाइप्स ऑफ लोन, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन, ये तीन चीजें हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको वो कुछ बेसिक कंसेप्ट शेयर कर रहा है, कह रहा है ये चैप्टर पहली चीज ध्यान में रखें कंपनी की बोरोइंग से कंपनी के डेट से रिलेट कर रहा है, कंपनी की बोरोइंग कंपनी के डेट से कंपनी के लोन से रिलेट कर रहा है, शेयर कैपिटल से रिलेट नहीं कर रहा। हमने कहा ठीक है, उसने कहा पहला असूल पावर, कंपनी ने लोन लेना है, कंपनी के तो हाथ पैर नहीं है, कंपनी के बिहाफ पे कौन लोन लेगा, डायरेक्टर्स हैव डीम्ड पावर, डायरेक्टर्स हैव डीम्ड का क्या मतलब है समझा जाएगा, अज्यूम्ड होती है बोरोइंग पावर, ठीक है, अलहदा से आर्टिकल्स में लिखने की जरूरत नहीं, मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर्स के पास, भाई वो आपको याद है केस स्टडी जिसमें उसने कहा था कि आपने अपने मेमोरेंडम में शेयर कैपिटल तो रजिस्टर करवाया है, लोन रजिस्टर ही नहीं करवाया, भाई आपको लोन नहीं मिल सकता, तो सही कह रहा था, नहीं, डीम्ड बोरोइंग पावर होती है कंपनी के पास, उसके डायरेक्टर्स के पास, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में लिखा होना जरूरी, यह है पहला कंसेप्ट, एवरी कंपनी हैज डीम्ड पावर टू बोरो और इशू डिबेंचर, डिबेंचर भी बोरोइंग होती है ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया पावर का। रिस्ट्रिक्शन, क्या बोरोइंग पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है, पावर है तो सही, लेकिन क्या अनलिमिटेड पावर है, क्या कुछ दो पाबंदियां, पहली पाबंदी अगर पब्लिक कंपनी है जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं हासिल करती बोरोइंग नहीं कर सकती, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने सीख लिया था, पब्लिक कंपनी है जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल बोरोइंग नहीं कर सकती, एक रिस्ट्रिक्शन, ये तो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने लगा दी। दूसरी रिस्ट्रिक्शन अगर मेंबर चाहे तो लगा सकते हैं, वो क्या, आर्टिकल्स के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है, पावर देने हम डायरेक्टर को पावर दे रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी पावर है, अगर उस पावर को लिमिट करना हो वो आर्टिकल्स में लिख सकते हैं, मेंबर्स अगर आर्टिकल्स में लिख दे डायरेक्टर्स मैक्सिमम 200 मिलियन बारो कर सकते हैं, तो बारो कर सकते हैं, लेकिन अब अनलिमिटेड कितने, 200 मिलियन, अगर 200 मिलियन से ज्यादा बारो करनी है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से आर्टिकल्स की अल्टरेशन कराएंगे, फिर वरना नहीं कर सकते, अगर अल्टरेशन के बगैर बारो कर लेते हैं तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे, इसे कहते हैं अल्ट्रा वायर्स बोरिंग, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड दी पावर, तो अगर डायरेक्टर्स बियॉन्ड दी पावर बोरिंग करते हैं पर्सनली लायबल होंगे, क्लियर हो गए रिस्ट्रिक्शंस। तीसरी चीज टाइप्स ऑफ बोरिंग, बोरिंग की टाइप्स कितनी है, अच्छा ये लिखा अच्छा विल बी अल्ट्रावाइज का मतलब समझ आ गया, बियॉन्ड द पावर, चलिए ये रिस्ट्रिक्शन भी, पावर भी क्लियर हो गई, रिस्ट्रिक्शन भी डिस्कस कर लिया हमने। अब टाइप्स ऑफ बोरोइंग, कंपनी बोरोइंग जैसे टाइप्स ऑफ शेयर थे ना, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो टाइप्स ऑफ बोरोइंग भी तो होंगे, बिल्कुल है, तीन तरह की बोरोइंग नॉर्मली की जाती है,
क्लासिफिकेशन किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो लॉ में क्लासिफिकेशन है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ तीन तरह की बोरोइंग लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पहला, आप डिबेंचर इशू कर दें, ये भी बोरोइंग है। दूसरा, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी बोरोइंग है। तीसरा, लोन फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी बोरोइंग है। थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट आप जो मैं समझा रहा हूं समझाने लगा वही बिल्ड कर ले तो बेहतर है। अगर किसी कंपनी के जनरल पब्लिक से पैसे इकट्ठे करने हैं, अगर किसी कंपनी ने बैंक से बोरोइंग इकट्ठी करनी है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और अगर किसी कंपनी को जनरल पब्लिक ने भी इनकार कर दिया, बैंक ने भी इनकार कर दिया, और डायरेक्टर्स या मेजर शेयर होल्डर कहते हैं कि हम आपको लोन दे देते हैं, खासतौर पर डायरेक्टर्स, उनकी नौकरी लगी होती है ना, कहते हैं कंपनी चलती रहेगी तो हमारी नौकरी भी पक्की है, लोन का क्या है, हालात अच्छे होंगे तो वापस हो जाएगा, तो डायरेक्टर्स भी लोन दे सकते हैं या मेजोरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, कंपनी की पहली कोशिश क्या होती है, इससे लोन ले लें जनरल पब्लिक से। हालांकि बैंक से भी लोन देने के लिए मजबूत होते हैं, लेकिन बैंक से ना तंग बड़ा करते हैं, लोन देते हुए भी कंडीशंस होती हैं, फिर उसके बाद वापसी में भी, और फिर मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, हर दो हफ्ते तीन हफ्ते महीने बाद आके चेकिंग करते हैं काम शाम कैसा चल रहा है। तो कंपनीज इसको नापसंद करती हैं। जनरल पब्लिक का एक फायदा है क्या, वो रोज रोज आके पूछेगी नहीं, हाँ भी पैसे इकट्ठे हो गए हैं, डिफॉल्ट तो नहीं करोगे। जनरल पब्लिक को पैसे दिए, लिए पैसे, उसके बाद सिर्फ ड्यू डेट के ऊपर उनको पैसे वापस करने हैं, करते कहानी खत्म। तो सबसे ज्यादा कंपनी के लिए जो प्रेफरेबल ऑप्शन होती है वो डिबेंचर, फिर उसके बाद लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से लोन लिए जाते हैं, और फिर लोन फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, जो डिबेंचर्स हैं ये अब याद रखिए, ये सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, इनकी फर्दर डिस्कशन आपके एक और सब्जेक्ट में एमएफए में, तो अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो उसमें फर्दर लॉ में सिर्फ इतनी बात कर रहा है, इसे आगे अगर आपने सारे के प्लस क्या है, माइनस क्या है, फीचर्स क्या है, वो उधर स्टडी करेंगे, यहाँ कर चुके हैं। अब डिबेंचर, इसमें जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम चीज है समझने वाली वो क्या है, डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मर जाएगा बैंक सिक्योरिटी के बगैर, एक रुपया नहीं देगा, हमेशा सिक्योर्ड होंगे, और लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी डायरेक्टर्स और मेजोरिटी शेयर होल्डर, ये नॉर्मली अनसिक्योर्ड होते हैं, वो कहते हैं हम तो अंदर के बंदे हैं, हमें सिक्योरिटी, सारे एसेट तो हमारे हाथ में ही है, हम खुद चलाते हैं, सुबह खुद आके मशीन ऑन करता हूं, डायरेक्टर कह रहा है तो मुझे इसे क्या सिक्योरिटी रखने की जरूरत है, अपने पास ही समझे, तो घर की बात है बिल्कुल। तो ये इन शॉर्ट कुछ लोन बोरोइंग की तीन टाइप्स हो सकती है कंपनी के केस में, कौन कौन से, डिबेंचर्स, उसके बाद लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अदर सोर्सेज डायरेक्टर्स और मेजोरिटी शेयर होल्डर है, कुछ सिक्योर्ड हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं। बताइए सिक्योर्ड होना बेहतर है कि अनसिक्योर्ड होना, इट डिपेंड्स कि आप लेंडर हैं कि बोरोअर हैं, लेंडर हैं कि बोरोअर हैं। अगर आप लेंडर हैं तो सिक्योर्ड, आप पैसे दे रहे हैं ना, लेंडर पैसे देने वाला, तो सिक्योर्ड होना बेहतर है, और अगर आप बोरोअर हैं अनसिक्योर्ड होना बेहतर है, लेकिन ज्यादातर लोग सिक्योरिटी मांगेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी मांगेंगे। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ बोरोइंग, बेसिक कंसेप्ट्स और टाइप्स ऑफ बोरोइंग। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। अब यहां से इस कंसेप्ट से हमें ये पता चला कुछ बोरोइंग सिक्योर्ड होंगी, कुछ अनसिक्योर्ड होगी। अगर तो बोरोइंग अनसिक्योर्ड है ना, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म, लेकिन अगर सिक्योर्ड बोरोइंग है तो फिर इसके ऊपर मजीद कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब फर्दर उन रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं, तो जिस तरह बोरोइंग की डिफरेंट टाइप्स है ना, सिक्योरिटी की भी डिफरेंट टाइप्स है, यानी हमने बैंक से फर्स्ट कीजिए बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बैंक तंग करता है, तो बैंक की एग्जांपल लेके आगे चलते हैं। फर्स्ट कीजिए हमने बैंक से कहा सर 50 मिलियन लोन चाहिए, उसने कहा इसीलिए बैठा हूं आ जाओ लोन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले दो काम करने होंगे, गौर से सुनिएगा, एक नहीं दो काम करने होंगे। पहला काम मेरे साथ लिखत पढ़त करो कि लोन ले रहे हो, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वापिस कब करोगे, और दूसरी चीजें, एक लोन एग्रीमेंट होगा। दुनिया का याद रखे, कोई भी लोन हो उसका एक एग्रीमेंट होता है। अगर आपने कोई जाती लोन लिया तो वो एग्रीमेंट इनफॉर्मल होगा, ए भाई 100 रुपया देना उधार, दोस्त ने पूछा, मुझे तो देने का, वैसे मांगेगा मेरी पैसे, लेकिन दोस्त ने पूछा
ठीक है, तो उससे ये जरूर पूछेगा क्या करना, क्या करना क्या है, है? तो पूछेगा ना, तो दवाई लेनी। अच्छा ये ना भी पूछे, बैंक वाले पूछे, ये ना भी पूछे, एक सवाल तो जरूर पूछेगा, वो कौन सा है, वापिस कब करोगे, ये है डेट कोविनेंट रिक्वायरमेंट कंडीशन, वापिस, ये इनफॉर्मल है, बैंक यही इन्फॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में लिखवा रहे, उसे क्या कहते हैं लोन एग्रीमेंट। तो जहन में रखिएगा, लोन किसी भी टाइप का हो, बैंक से जब भी लोन लेने जाए, जो भी टाइप का हो, एग्रीमेंट जरूर होगा, बैंक के साथ एग्रीमेंट जरूर होगा, लोन एग्रीमेंट होगा, जिसमें क्या लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन। एक बार एक लॉयर के पास बैठा हुआ, तो उनके अपने केसेस होते हैं, बताते रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी एक बंदा गया, ये जो होते हैं ना मोटरसाइकिल वगैरह ज्वेलरी रख के कर्जा देते हैं, तो उससे उसने कहा सर ये मोटरसाइकिल रख लें, उन्हें कर्जा दे दें, कर्जा कितना चाहिए, कॉपी रखते हैं, चले जो भी, वो कोई मोटरसाइकिल का सीन था, कर्जा कितना, सर 25,000 चाहिए, उसने दे दिया उसे 25,000, 25,000 लेके बाहर निकला, करीबी थाने पहुंच गया, कहने लगा मोटरसाइकिल चोरी हो गई, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, और मुझे एक बंदे पे शक है, उधर ले गया कर्जा भी ले आया और मोटरसाइकिल भी। अगर आप उस कर्जा देने वाले की जगह पे होते, क्या करते आप, एग्रीमेंट दे वो, लेकिन ऐसे लोग कहानियां करा देते हैं, एग्रीमेंट उनको भी पता होता है करना है, लेकिन वो कोई ना कोई कहानी करा देते हैं, सर मैं अभी कर रहा हूँ एग्रीमेंट, आईडी कार्ड घर रह गया, मैं भी लेके आता हूँ। तो बैंक्स जो और जो प्रॉपर लोन देने वाले होते हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करवा के फिर लोन देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी एग्री करना है ना आपने, एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, जिसको लोन देना है एग्रीमेंट जरूर, रिटर्न एग्रीमेंट जरूर होता है, क्योंकि वो ये ना कह सके कि मेरा एसेट गुम हो गया या मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए। बाजूकात ऐसा भी होता है, अच्छा ये तो कॉमन बैंकिंग सेक्टर में, जब मैं आर्टिकल तो कॉमन होती थी प्रैक्टिस, कॉमन से मुराद के काफी केसेस होते थे, ये नहीं कि हर दूसरा बंदा ही करता था, काफी के प्रॉपर्टी बैंक के पास गए, उससे प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन लिया, फिर उसके बाद पटवारी के पास गए, जहां पे वो सारा रिकॉर्ड होता है, मैनुअल रिकॉर्ड में वो होता है, बादशाह होता है वो, उससे जाके कहा भाई जान वो जो हमारी फर्द है, जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो गुम हो गए, थोड़े से पैसे दिए उसको, वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकाल देता था और दूसरे बैंक के पास चले गए, 3-4 बैंक से इस तरीके से, इसमें समटाइम्स बैंक के मैनेजर भी मिले होते थे, समटाइम 3-4 बैंक से लोन लिया, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर निकल गए, अब बैंक आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है मेरा, एक कह रहा है दूसरा, केस कोर्ट में पहुंचा, 10 साल हो गए केस चल रहा है अभी। तो इसीलिए जो लोन देने का प्रोसेस होता है ना, अगर आप लोन देने वाले हैं, आपने सारे बैंक्स की रेगुलेशंस होती हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के नाम से लिस्ट निकाली, आपने उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहला और सबसे अहम काम क्या है, जब कभी किसी को लोन दें, एग्रीमेंट तो हर देखिए, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, एग्रीमेंट जरूर होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, ठीक है जी। अच्छा एग्रीमेंट के बाद उस एग्रीमेंट में बाकी टर्म्स एंड कंडीशन तो लिखी जाएंगे, ये भी लिखा जाएगा आप सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवा रहे हैं, सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवा रहे। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी के तौर पे कोई चीज बैंक के पास रखवाने के लिए, इनको ध्यान से समझिएगा। पहली ऑप्शन है कि आप फिजिकली कोई एसेट बैंक के पास रखवा दें, जैसे नॉर्मली इंडिविजुअल ज्वेलरी रखवाते हैं बैंक के पास, बाजूकात अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है ना, उनको भी रखवा सकते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, लेकिन ज्यादातर ज्वेलरी। और अगर कंपनी है तो वो अपनी इन्वेंटरी बैंक के पास रखवाते हैं, क्योंकि इन्वेंटरी मूव करना आसान है, फिक्स एसेट मूव करना मुश्किल है, इन्वेंटरी मूव करना आसान है। अब इन्वेंटरी में भी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, नॉर्मली बैंक कहता है मैं भाई इधर किधर, छोटी सी मेरी ब्रांच है, मैं इधर इन्वेंटरी किधर संभालूंगा, आप ऐसा कीजिए इन्वेंटरी अपने गोदाम में रहने दे, बंदा हमारा आएगा उधर बैठ जाए, आपका चौकीदार नहीं होगा उस इन्वेंटरी उस गोदाम में, हमारा होगा, ताला चाबी हमारी होगी, तो ये समझा जाएगा कि वो हमारी पोजेशन में आ गई, प्रेमिसेस क्लाइंट की, पोजेशन बैंक की, आगे क्या नहीं आगे, क्योंकि ताला चाबी और चौकीदार ये तीनों चीजें बैंक की हैं, उसकी इजाजत के बगैर निकल ही नहीं सकती इन्वेंटरी, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको, ये पहला तरीका, जब फिजिकल पोजेशन जो सिक्योरिटी के तौर पर चीजें रखवा रहे हैं उसकी फिजिकल पोजेशन बैंक को हैंड ओवर करने से कहते हैं प्लेज, इसे क्या कहते हैं प्लेज, प्लेज पहली बात समझ आ गई। दूसरी बार मॉर्टगेज, मॉर्टगेज में क्या होता है, मॉर्टगेज में एसेट जो होता है ना फिजिकल एसेट, वो बारोअर के पास ही रहता है, वो बारोअर के पास है, क्योंकि हर एसेट तो मूव नहीं हो सकता ना, कुछ एसेट मूव हो सकता है, कुछ एसेट मूव नहीं हो सकते, जो इमूवेबल एसेट्स हैं, इमूवेबल एसेट्स हैं, उनको बैंक को पोजेशन तो नहीं दी जा सकती,
तो उनमें फिर उनको क्या सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया जा सकता है? इसका जवाब है यस, रखवाया जा सकता है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी का एविडेंस क्या होगा भला? टाइटल डॉक्यूमेंट्स। बैंक वाला कहता है आप ऐसा कीजिए, घर है आपके पास, हम घर के बदले भी लोन देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जमा करवा देने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट तो हो गया हुआ है लेकिन एग्रीमेंट के साथ आपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, वरना लोन नहीं मिलेगा। टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं, कहीं ये ना हो कि आप घर बेच दें। तो हमारे पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स होंगे असल, तो आप घर को बेच नहीं सकेंगे। हमें भी तसल्ली होगी कि अगर आपने लोन में डिफॉल्ट किया तो जिस तरह आपकी इन्वेंट्री को बेच के हम पैसे रिकवर करवा सकते थे, आपके घर को बेच के भी रिकवर करवा सकते हैं। इसको कहते हैं, इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी को कहते हैं मॉर्टगेज। मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होती है, इसमें फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर नहीं की जाती, लेकिन टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्लियर? जो कि इस बात का सबूत होते हैं कि अब बैंक की मर्जी के बगैर बेचे नहीं जा सकते। बैंक कुछ और स्टेप्स भी लेता है ये इंश्योर करने के लिए कि आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स ना निकलवाएं, कुछ और स्टेप, लेकिन वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उस तरह मैं नहीं जा रहा। अभी तक दो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हो गई, प्लेज नॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मूवेबल है, एक इमूवेबल है। शाबाश। कौन सी मूवेबल? प्लेज। कौन सी मूवेबल? मॉर्टगेज। एक तीसरी टाइप भी है, लेकिन तीसरी टाइप की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक जजमेंटल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपके ख्याल में क्या ये जो लेंडिंग का प्रोसेस है ये लेंथी और कंप्लेक्स होना चाहिए या इजी होना चाहिए, सिंपल? इंटरेस्टिंगली ये दोनों पार्टीज के बेनिफिट में है कि ये प्रोसेस इजी हो, क्विक हो। इवन बैंक के लिए भी ये बेनिफिशियल है। क्यों? प्रोसेस इजी होगा, सिंपल होगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे ना। जो भी चीज मुश्किल होगी तो कम होगी। तो इसलिए बैंक, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक अपने आप को सिक्योर ही ना करे, सिक्योर करे जरूर, लेकिन जितना हो सकता है प्रोसेस को सिंपल रखना चाहिए। तो कंपनीज ने बैंक से कहा, भाईजान हम लोन लेंगे ना, आप हमारे रेगुलेटर बन गए हैं, ठीक है, आप जो इशारा करेंगे हम वैसे करेंगे, आप कहेंगे एसेट पूरा करो पूरा, आप हम आपसे पूछेंगे एसेट बेच दे, आप कहेंगे बेचेंगे तो बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे, ठीक है, आप कहेंगे इन्वेंट्री को बढ़ा के इतनी करो, हम इन्वेंट्री बढ़ा के तो कर लेंगे हम, आप जैसे हुक्म करेंगे। लेकिन आप जितना मर्जी सख्त हो जाएं, SECP जितने सख्त नहीं हो सकते। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक रेगुलेटर है SECP जो हमें रेगुलेट करता है, तो जहां पे हमारे लोन की रजिस्ट्रेशन होगी, अब हमको इंडिविजुअल तो है नहीं कि आज इस महल में मकान किराए पे लिया है, बाएं बाएं हमसायों से कर्जा लिया, अगले महीने किसी दूसरी जगह पहुंच गए। हम तो कंपनी है, 25 सालों से चल रहे हैं और मार्केट में हमारी रेपुटेशन है, हम भागने भी लगेंगे ना, भागते भागते भी एसेट इतनी जगह पे बिखरे हुए हैं, हमें 6-7 महीने लग जाएंगे। तो आप बेफिक्र हो, अगर आप कोई भी सिक्योरिटी ना रखवाए हैं तो भी काम चलेगा। लेकिन हम कहते हैं आप फिर भी आप सिक्योरिटी रखवाएं, हम आपका सिक्योरिटी रखवाएंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क की तरफ ना जाए। तो इसीलिए एक तीसरा टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट किया गया, जैसे कहा जाता है चार्ज। कंसेप्ट क्या है? देखें, कंपनीज को ना पैसों की जरूरत तो पड़ती रहती है, इन्वेंट्री थी। अब देखें आइडिया, कंपनी का CFO कह रहा है लोन की जरूरत थी, इन्वेंट्री थी, प्लेज करवा दी, ठीक है। फिक्स एसेट थे, लैंड एंड बिल्डिंग थी, मॉर्टगेज करवा दी। अब वो क्या सोच रहा है? डेटर्स भी तो हमारे एसेट हैं, क्या डेटर्स के अगेंस्ट भी लोन लिया जा सकता है? और इसका जवाब पता है क्या है? यस, लिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, देखें फर्क, देखें फर्क सिक्योरिटी का है। एसेट, हर एसेट के अगेंस्ट में लोन लिया जा सकता है, सिंपल रूल याद रखना। इन्वेंट्री के अगेंस्ट लोन लेंगे, फिजिकल पोजेशन दे दी, प्लेज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग था, टाइटल डॉक्यूमेंट दे दिए, मॉर्टगेज हो गया। एसेट्स हैं, ये डेटर्स हैं, क्या डेटर जिसे पैसे लेने हैं फिजिकली बैंक में जमा करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते, नहीं करवा सकते, नहीं। क्या उसके कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं डेटर के, मालिकाना हक किस डेटर के बैंक को दे दिए जाए? नहीं होते। फिर लोन कैसे लिया जाए? इसका एक रास्ता निकालना उन्होंने, क्योंकि देखिए बैंक के भी मुफाद में है कि लोग ज्यादा बोरिंग करें, कंपनी भी ये चाहती है, तो उन्होंने एक दरमियाना रास्ता निकाला।
उन्होंने बैंक से कहा, कंपनी वाले ने, सर कुछ दो कदम हम आपको फेवर करते हैं, कुछ दो कदम आप हमें फेवर कीजिए, हमें लोन चाहिए, आप हमें लोन दीजिए। लेकिन ये ऐसे कुछ एसेट ऐसे हैं हमारे जिनका टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, जिनकी पोजेशन भी नहीं दी जा सकती, उनका क्या करें? तो फिर एक नई टाइप निकाली गई जिसे कहते हैं चार्ज। इसमें ना एसेट्स को फिजिकली ट्रांसफर करने की जरूरत होती है और ना ही डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने की जरूरत होती। इनिशियली ये डेटर्स के लिए क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर ये इतना फेमस हुआ कि हर तरह के एसेट पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। इतना फेमस हुआ हर तरह के एसेट पे चार्ज क्रिएट, ओरिजिनली डेटर्स के लिए क्रिएट हुआ था, इवन इन्वेंट्री पे भी, इवन फिक्स एसेट पे भी। इसमें खास बात पता क्या है बैंक के लिए भी, और कि इसमें बहुत ज्यादा खप नहीं होती, यानी एसेट्स को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, टाइटल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर कर, डॉक्यूमेंट्री वर्क, डॉक्यूमेंटेशन का काम तकरीबन ना होने के बराबर हुआ। लेकिन यहां पे आप इसमें सवाल आएगा सिक्योरिटी फिर क्या है, बैंक सिक्योर्ड कैसे होता है? बैंक सिक्योर्ड ऐसे होता है कि ऐसे चार्ज को SECP के पास रजिस्ट्रार के थ्रू रजिस्टर करवाया जाता है, और जब कभी कोई भी एक बकायदा हिस्ट्री बनती है उसे, आर्टिकल में जब मैं था तो उसे उस वक्त नाम दिया जाता था रिसर्च रिपोर्ट, किसी कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट। वो एक बैंक में बंदा आता था, उसको 5,000 देते थे, उसको 5,000 रेट था। वो कंपनी ने अपने इन कॉर्पोरेशन से ले तक आज तक जितने भी लोन लिए होते थे, किस बैंक से लिया, कितने रीपे हो गए, कितने कब कब डिफॉल्ट किए, एज ऑन टूडे कौन सा लोन है, वो किस किस बैंक को पेएबल है, ये सारी हिस्ट्री आ जाया करती, 15-20 सफों की हिस्ट्री थी, ये सारी हिस्ट्री आ जाया करती। तो जब भी कोई बैंक लोन देता है ना, अगर उसने कुछ भी ना किया हो, उसने प्लेज नहीं करवाया, उसने टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखे, उसने सिर्फ कमीशन के पास रजिस्टर करवा दिया हो ना, तो ये भी सिक्योर्ड हो जाता है बैंक। ये कैसे सिक्योर्ड हो जाता है? चार्ज है, चार्ज सिर्फ क्योंकि उसकी कमीशन के पास आ गया उसके रजिस्ट्रार की लिस्ट में कि इस कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स के बदले में लोन लिया हुआ है। अब कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को बेच नहीं सकते, या फिक्स एसेट को बेच अगर सकती है, कुछ कुछ में किसी में बेच सकते हैं, कुछ किसी में बेच नहीं सकते, तो भी कमीशन कहेगा कि आपने बैंक को मजीद लोन नहीं लेना जब तक पुराने वाले बैंक के पैसे वापस नहीं करेंगे। और अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तो रजिस्ट्रार कहता है कंपनी जितना मर्जी भाग ले लोन से, जितना मर्जी लोन से भाग ले, एंड पे वाइंडिंग अप के वक्त तो मेरी छत्रछाया में वाइंडिंग अप होगी, तो उस वक्त कंपनी के सारे एसेट्स बेच के रिकवर हो जाएंगे। तो चार्ज बजाहिर देखने में सबसे रिस्की टाइप है तीनों सिक्योरिटीज में, प्लेज में भी, मॉर्गेज में भी, चार्ज में। प्लेज सबसे ज्यादा सिक्योर्ड समझा है, क्यों? एसेट की फिजिकल पोजेशन के बाद ये जो है दूसरा मॉर्गेज, ये निस्बतन कम समझा जाता है टाइटल डॉक्यूमेंट। और चार्ज सबसे, लेकिन चार्ज सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इस वजह से कि इसको रजिस्टर करवाना भी आसान, सिर्फ कमीशन के पास जाना, और इसकी सेटलमेंट करवाना भी आसान, और कंपनी लोन लेके भाग भी नहीं सकती जैसे इंडिविजुअल भाग जाते हैं, क्यों? SECP के पास रजिस्टर्ड है। आपको पता है, याद आया कंसेप्ट फ्री था, प्लेस क्लास का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास भी अगर चेंज करनी हो ना, कमीशन, और कमीशन याद है, हैविंग रिगार्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स, इसी वजह से क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर ने लोन दिया होता है और कहते हैं भाईजान देखो तुम्हारा लोन पे किए बगैर कंपनी भागने की तैयारी तो नहीं कर रही, वो अगर लोन पे करे फिर NOC देता है बैंक, फिर जाके कमीशन कहता है ठीक है आप जाओ ट्रांसफर करो, वरना कमीशन कहता है हिलना भी नहीं, जिस जगह पे बैठे हो इसी जगह पे बैठे रहो, इसी जगह लिए वहां पे कमीशन की अप्रूवल लाजमी है। इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है, पॉपुलर है। तो इन शॉर्ट डिस्कशन का कंक्लूड करते हैं, सिक्योरिटी के तौर पे आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कितनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है, इन कौन कौन सी, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। प्लेज में टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है, मूवेबल, और इसकी पोजेशन किसके पास चली जाती है। अच्छा, इस चैप्टर में लैंडर और बोरोअर ये दो अल्फाज इस्तेमाल हो, मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे दोनों अल्फाज कंफ्यूज करते थे। तो लैंडर का मतलब है सेंडर, देने वाला, और बोरोअर उसका अपोजिट, रिसीव करने वाला। तो पोजेशन किसके पास है, लैंडर यानी बैंक के पास, इसको अपनी आसानी के लिए बैंक भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लोन अगेंस्ट इन्वेंट्री। अब आ जाते हैं मॉर्गेज, मॉर्गेज में टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या है, कौन सी तरह के एसेट्स हैं, इमूवेबल। पोजेशन किसके पास रहेगी, बोरोअर के पास, लेकिन टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इसकी एग्जाम्पल क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंडेड बिल्डिंग। तीसरा चार्ज,
चार्ज में ओरिजिनली ये शुरू हुआ था डेटर से, लेकिन अब टाइप ऑफ सिक्योरिटीज में क्या है, कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। पोजेशन किसके पास होगी, बॉरोअर का, कंपनी चलती रहेगी, मशीनें ठक ठक चलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन वो सारी अंडर चार्ज होगी बैंक के, यानी अगर बैंक की किस्त पे ना की, बैंक किसी, हालांकि बैंक की पोजेशन में नहीं है, बैंक के पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लेकिन जब आपने डिफॉल्ट किया, बैंक फौरन अपनी फौज लेके आ जाएगा फैक्ट्री में, ठीक है, बंद करो सारा कुछ, अब इसको बेचना है, कमीशन से अप्रूवल लेंगे और कोर्ट से भी अप्रूवल लेते हैं और फिर उसके बाद उसको बेच देते हैं, ठीक है, यानी इसमें बैंक के सारे एक्शन पहले नहीं आएंगे बल्कि डिफॉल्ट होने के बाद। एग्जाम्पल क्या, लोन अगेंस्ट रिसीवेबल एंड करंट एसेट्स, ये एग्जाम्पल है, वरना आप लैंड एंड बिल्डिंग पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा जब बैंक ऑडिट करने जाते हैं ना, बैंक ने डिफरेंट चार्ज, हमने ये देखना था कि लोन दिया है उसके अगेंस्ट सफिशियंट अमाउंट का सिक्योरिटी है कि नहीं, तो कभी सिक्योरिटी होती थी लैंड, कभी मॉर्गेज और कभी चार्ज, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती थी, जब कोई क्लाइंट बड़ा क्लाइंट होता था फेमस, तो उसकी एक बिल्डिंग होती थी 100 मिलियन की, उस पे उसने एक बैंक से लोन लिया होता था 50 मिलियन का और मॉर्गेज क्रिएट करवाया होता था, और दूसरे बैंक से 30 मिलियन का लोन लेकर चार्ज क्रिएट करवाया होता था, ये बड़ा ट्विस्ट होता था, तो एक एसेट के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटीज भी रजिस्टर करवाई, ये प्रैक्टिकली बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप हैरान हो रहे, फिर अगर डिफॉल्ट हुआ तो किसको पैसे मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे 100, लेकिन अगर अचानक मार्केट में प्राइस डाउन हो गई फिर क्या होगा, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसकी तरफ आपको लेके जाना चाहिए, सिर्फ इतना ही समझ लेना कि एक एसेट के ऊपर मल्टीपल सिक्योरिटी रजिस्टर हो सकती है, वो हो सकती है, इसके लिए मुझे आपको टर्म बताना पड़ेगी, रैंकिंग चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज, पारी पासु चार्ज, ये टर्म नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यही समझने तो बड़ी बात है, ये समझने तो बड़ी बात है। चले मैं हिम्मत कर, पहले मैं ये इंश्योर कर लूँ कि ये समझ आ गया कि नहीं, ये तीनों समझ आ गया, चले फिर ये फिक्स और फ्लोटिंग रह जाना, नहीं नहीं आज ही कर ले, मैं इस शर्त में समझाऊंगा कि फिर 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठेंगे और ये करके जाए, कितने शॉर्ट्स का ख्याल है बता दूँ, कितनों का ख्याल है रहने दो, अच्छा चलिए जल्दी से बता देता हूँ, जब चार्ज क्रिएट होता है ना, जब बैंक के साथ एग्रीमेंट होता है, कहते हैं कौन सा टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी कहती है चार्ज, बैंक कहता है ठीक है चार्ज होगा एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ हम, ये एसेट सिर्फ हमारे सिक्योरिटी में होगा, आप इसके ऊपर किसी दूसरे बैंक की सिक्योरिटी रजिस्टर नहीं करवा सकते, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव। दूसरी ऑप्शन, बैंक कहता है एक्सक्लूसिव, बॉरोअर कहता है भाई एक्सक्लूसिव ऐसे 100 मिलियन का तेरा लोन है, 1000 मिलियन का मेरा एसेट है, और एक्सक्लूसिव सिर्फ तुम्हारा ही चार्ज हो, ऐसे तो नहीं, मुझे और लोन चाहिए, मैं दूसरे बैंक से भी ले सकता हूँ, मैंने कहा ठीक है चलो दूसरे से भी रजिस्टर करवा लेना। अब दूसरे से रजिस्टर करवाएंगे तो एट पार होगा, या यानी लाइन जैसे लगी होती है ना लाइन, बैंक बिल जमा करवाने के लिए गए तो जिसने पहले लोन दिया वो पहले लाइन में आ गया। अब रैंकिंग चार्ज का मतलब है कि एक से ज्यादा चार्ज एसेट में क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरा बंदा होगा ना वो लाइन में पीछे लगेगा, जब डिफॉल्ट हुआ एसेट बिकेगा, जिसने पहले लोन दिया है वो पहले सेटल होगा, जिसने बाद में लोन दिया बाद में, यह है रैंकिंग। 5-4, ये लो 5-0 आ गया अगला, क्या सुभान अल्लाह, क्या मिसाल, पारी पासु है एवरेज, पारी पासु एट पार, इसका मतलब ये है कि अगर दूसरा बैंक भी आ गया ना तो दोनों लाइन में इकट्ठे खड़े होंगे, जितने पैसे आए आधे प्रोपोर्शनेट होंगे, प्रोपोर्शनेट, जिसने जितना लोन दिया हुआ प्रोपोर्शनेट होंगे, ये समझ आया, पारी पासु एट पार यानी सबको बराबर बराबर, ठीक है, जितने पैसे इसको मिले उतने परसेंट पैसे उसको मिलेंगे। तो ये तीन तरह के चार्ज की टाइप होती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल बुक में नहीं है, एक क्वेश्चन में उसने यूज की थी, वो सीफैप का था शायद क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, बुक में नहीं है, बुक में टाइप्स है हमारी चार्ज की दो, कौन कौन सी, फिक्स एंड फ्लोटिंग, लेकिन प्रैक्टिस में आपको मजीद तीन टाइप्स मिलेगी, कौन से चार्ज, एक्सक्लूसिव चार्ज, रैंकिंग चार्ज, पारी पासू, पारी एट पार का मतलब इक्वल, एट पार शेयर इशूड एट पार, पार कहते हैं इक्वल को, जब पहला बैंक और दूसरा बैंक दोनों बराबर हो पारी पास, और जब वो लाइन बना के रैंक, पहले पहले वाला बैंक फिर दूसरे वाला बैंक रैंकिंग, और जब सिर्फ एक ही बैंक हो एक्सक्लूसिव। अच्छा अब वापस आते हैं चार्ज, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज, ये तीन समझ लगे आपको। चार्ज की हमारी बुक कहती है दो टाइप्स हैं, इसका कंसेप्ट समझिए पहले,
ये भाईजान बैंक है भैया, तो जा फरमाइए जरा बैंक भाई। मैंने इनसे लोन लेना है। इन्होंने कहा सर सिक्योरिटी के तौर पे क्या रखवाएंगे? मैंने कहा ये एसी ग्री का एसी है, इसका सीरियल नंबर क्या है? 587894U। ये सर, नहीं भाई नहीं नजर आ रहा, मेरे दादा लग है, हवाई फायर कर रहा हूँ। नंबर दे दिए। इन्होंने एग्रीमेंट में लिख दिया। अब जहन में रखिएगा, लोन लिया सिक्योरिटी के तौर पे और यह है चार्ज, इसका मतलब एसेट मेरे पास ही रहेगा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास ही रहेंगे। इसने किताबों में लिख लिया और कमीशन के पास रजिस्टर करवा लिया, क्योंकि एग्रीमेंट में मेरे भी साइन है, कमीशन चुप करके रजिस्टर कर लेता है रजिस्ट्रार। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या मैं इस एसेट को बेच सकता हूँ उनकी इजाजत के बगैर? इस एसी को बेच सकता हूँ? नहीं बेच, क्यों नहीं बेच सकता? इनके पास जमानत के तौर पर रखवाया है। दूसरा और अहम सवाल जो फर्क बता देगा आपको, क्या मैं ये दाई तरफ वाला एसेट बेच सकता हूँ? इसे बेच सकता हूँ, ये मैं क्यों बेच सकता हूँ? हाँ जी, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसको हम कहते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब है स्पेसिफाई कर दिया कौन से वाले एसेट पे चार्ज क्रिएट हो रहा है, ये है फिक्स चार्ज। एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, जिसमें आप एसेट को स्पेसिफाई नहीं करते, सिर्फ कैटेगरी मेंशन करते हैं। अब जरा फर्क देखिए, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं, मिसाल से समझाना आसान होता है अल्फाज की निस्बत, तो ये वो कंसेप्ट है। अब मैं मिसाल से समझा रहा हूं। दूसरी दफा फिर इनके पास लोन लेने के लिए गया, मैंने इनसे कहा भाईजान लोन दिया, कहा एसेट, मैंने कहा इस कमरे में जितने भी एसी हैं वो सारे, इसने कहा सारे आप चार्ज क्रिएट करवाता हूं। इन्होंने लिख दिया, इन्होंने कहा सर इस कमरे में जितने भी एसी, मैंने कहा इस कमरे में जितने भी एसी, लिख के कमीशन को भिजवा दिया। शीशा समझ आ गई। अब कहानी में ट्विस्ट, 10 दिन के बाद हमने इस रूम में एक नया एसी इंस्टॉल किया, वो चार्ज में सारा कंसेप्ट इसी है, इसमें छुपा है। शामिल होगा कि नहीं? क्योंकि हमने सारी कैटेगरी को बताया था, तो वो उस कैटेगरी में शामिल आ गया। इस कैटेगरी में जो जो एसेट शामिल होता जाएगा, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट चार्ज क्रिएट होता जाएगा। अच्छा अपोजिट एग्जाम्पल नहीं आ रहा हूं, अब दूसरी एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से एसी भेज देता हूं, क्या वो चार्ज से निकल जाएगा? यस, वो चार्ज से निकल जाएगा। वो चार्ज से भैया आ गया था, ऐसे तो ना करे। हाँ, जब वो आ सकता है चार्ज में, निकल भी सकता है। ये तो वही बात की आपने, वो जो मुल्ला नसीरुद्दीन ने की थी अपने हमसाये के साथ। उसने क्या किया, उसने बर्तन मांगे, हमसाये ने बर्तन दिए, उसने एक ग्लास एडिशनल वापस कर दिया। हमसाया बड़ा खुश, उन्होंने कहा ये ग्लास कहाँ से आया? उसने कहा आपके बर्तनों ने बचे दिए हैं। हमसाया बड़ा खुश, कहा ये सही है काम। हफ्ते बाद फिर उसने कहा मुल्ला से दावत है, बर्तन दीजिए। उसने खुश होकर सारे बर्तन दे दिए। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, तीन दिन, बर्तन वापस ना आए। हमसाया जाके कहने का बर्तन किधर गए? उन्होंने कहा उनको बीमारी लगी थी, सारे मर गए। उन्होंने कहा बर्तन भी कभी मर सकते हैं, अगर बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं। तो अगर फ्लोटिंग चार्ज में कोई नया एसेट अंडर चार्ज जा सकता है, तो पुराना एसेट जा भी सकता है। इसीलिए तो फ्लोटिंग का नाम फ्लोटिंग और फिक्स का नाम फिक्स पड़ा। वो किस वजह से पड़ा? इस वजह से कि अगर इसको ग्राफ की शक्ल में ना के देखे, तो जो फिक्स चार्ज है ना, उसकी वैल्यू यू रहेगी सिर्फ ये सीधे, और जो फ्लोटिंग चार्ज है वो कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा, जब एसेट खरीदेंगे ज्यादा, जब बेचेंगे कम। लेकिन बैंक कहता है भाई एक कम ज्यादा होता रहे, जीरो ना करना कभी। बैंक कहता है भाई मिनिमम लेवल मेंटेन रहे। ये देखे यही है ना फ्लोटिंग और ये फिक्स। तो कितनी चार्ज की टाइप्स हुई बुक के मुताबिक? दो, एक फिक्स, फ्लोटिंग। अच्छा बताइए दोनों में से ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा पैरामाउंट इन दोनों में से कौन सी है? डिपेंड करता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी समझाएगी? फिक्स, शाबाश। यही फर्क है, यही जोनर से चार्ज के कितने टाइप्स? फिक्स और फिक्स किस पे क्रिएट किया जाता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करके बताया जाता है, सर जी कौन सी वाली प्रॉपर्टी? वो जो मरीद के वाली प्रॉपर्टी है। और जबकि फ्लोटिंग चार्ज में स्पेसिफाई नहीं किया जाता, कहता है सर फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या होगा? फ्लोटिंग चार्ज। समझा? फिक्स चार्ज स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एसेट पे, और फ्लोटिंग एंटायर क्लास ऑफ एसेट पे। अंडरटेकिंग, याद है अंडरटेकिंग का लफ्ज़? बोर्ड पावर में पड़ा था। तो फ्लोट अंडरटेकिंग पे जब चार्ज क्रिएट होगा फ्लोटिंग, और जब स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नाम लेके ये वाला एसेट इस नंबर का इस जगह पड़ा हुआ है, फिक्स चार्ज। फिक्स सिर्फ प्रेजेंट एसेट पे जो मौजूद है इन पे क्रिएट होता है, फ्लोटिंग प्रेजेंट पे भी और फ्यूचर पे भी, आने वाले ऑटोमेटिकली अंडर चार्ज। फिक्स चार्ज में कंपनी इसे सेल नहीं कर सकती,
फ्लोटिंग में कंपनी सेल कर सकती है, और अगर खरीदती है सेल होने वाला ऑटोमेटिकली चार्ज से निकल जाएगा फ्लोटिंग में, और आने वाला ऑटोमेटिकली चार्ज में शामिल हो जाएगा। वाइंडिंग अप होगी, उस एसेट को बेचेंगे, पहले किसको मिलेगा? फिक्स वाले को। फिर पैसे किसको मिलेंगे? फ्लोटिंग वाले। और अगर फ्लोटिंग वाले एक से ज्यादा हैं तो फिर देखा जाएगा चार्ज रैंकिंग था कि पारी पासू था। अगर रैंकिंग था तो उस तरतीब से, ठीक है जी। ये है फिक्स और फ्लोटिंग। कुछ फर्क समझ आया? कोई मुश्किल तो नहीं था आज का लेक्चर? फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में फर्क समझ आ गया? अब पूछिए आप क्वेश्चन, पूछना चाहिए। फ्लोटिंग में बगैर पूछे बेच सकते हैं, फिक्स में बगैर पूछे नहीं बेच, फ्लोटिंग में बगैर पूछे, लेकिन बैंक कहता है भाई मिनिमम मिनिमम इतने से कम ना करना। ये वो मिनिमम उसकी लोन की अमाउंट होती है, वो एग्रीमेंट में लिखा होता है। और प्रैक्टिकली ना कंपनीज रिपोर्ट भी भिजवाती है हर महीने कि सर हमारे इस वक्त मिनिमम एसेट इतने, हमारे इस वक्त एसेट इतने, हमारे इस वक्त बैंक चेक करता रहता है। इधर भी कोई क्वेश्चन था जी? हाँ, बैंक मार्जिन रखता है। देखें कोई भी एसेट होगा ना सिक्योर्ड, उसकी वैल्यू में चेंज आ सकता है। प्रॉपर्टी में नॉर्मली वैल्यू ज्यादा ही होती है, लेकिन इन्वेंट्री हो चेंज, तो बैंक इसी लिए कंसेप्ट होता है मार्जिन का। मार्जिन बैंक अगर आपको 500 का लोन देगा ना तो सिक्योरिटी 500 की नहीं रखेगा, वो 600 650 की रखेगा। मार्जिन, और मार्जिन किस वजह से रखा जाता है? एसेट की वैल्यू कम हो तो बैंक सिक्योर है। लेकिन ये भी ध्यान में रखे, अगर डिफॉल्ट किया और 600 की प्रॉपर्टी बेच दी ना तो बैंक 500 ही रखेगा जितना लोन दिया है, 100 रुपया वापिस देगा उसको। मेरा मानना बिल्कुल, हाँ डेटर्स का भी अलहदा होता है, ठीक है। हाँ जी, डिस्काउंटिंग होती है। एक और भी टर्म होती है हाइपोथिकेशन, वो मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता, छोड़े उसको, दफा ये समझ आ गया यही बहुत है। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।